हम मैंने स्टार्ट कर दी हमारी की, तो हम अब प्रैक्टिस उसी उसी हम हो चुके हैं या फिर जो रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे तो आपका एक तरीके से ये रिवीजन भी हो जाएगा प्लस इसमें आप अपना एक्स्ट्रा भी जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो भी कंप्लीट कर पाएंगे तो ये आज मैंने जो सेशन बनाया है वो बनाया है हमारा रिगुलेशन बेस्ड जो भी रिग्रेशन के हमने मैंने आपको प्लेलिस्ट चेक करोगे तो रिग्रेशन टॉपिक कराया हुआ है मगर इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं और उसके साथ साथ मैं डिटेल नॉलेज दूंगी आपको रिग्रेशन की वन बाय वन बाय ईच क्वेश्चन आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन अलग टाइप्स के हैं सो लेट स्टार्ट सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिग्रेशन एनालिसिस का बेस्ड ही जो मैंने बोला था कि हम रिग्रेशन एनालिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो, तो क्वेश्चन पढ़ा तो होगा तो आपको मैंने कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन निकालना सिखाया था उसमें हम कैसे निकालते हैं उस फॉर्मुले से मतलब विच फॉर्मुला मे बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं तो अगर आप ये हमारा मल्टीप्लाई में करेंगे Bxy. ये होते क्या है? क्या होता है? होता स्लोप जब हम y ऑन x पढ़ते हैं और ये स्लोप होता हैं जब x on y पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू तो मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आगे चलते हैं तो हमने फॉर्मूला बताया कि जब हमें कैलकुलेट करना होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ठीक है जैसे हमारे पियर्सन ने दिया था तो उसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं तो हमको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज आर इक्वल्स टू अंडर रूप में बी वाई एक्स एंड में बी एक्स वाई तो आर हमारा रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट कॉफिशन समीशन हमारा डिनोट करता है क्या सम ऑफ ठीक है एक्स एंड वाई इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं दो वेरिएबल्स ठीक है एक्स बार हमारा मीन ऑफ एक्स वेरिएबल होता है और वाई बार हमारा मीन ऑफ वाई वेरिएबल होता है तो अगर आप बात करेंगे इसकी रेंज की बात करते हैं मैं ओवरव्यू देती चलूंगी साथ के साथ आर की कि आर की वैल्यू किसमें रेंज करती है माइनस वन टू पॉजिटिव वन अगर पॉजिटिव वन है आर तो ये इंडिकेट करता है परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन की दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ परफेक्टली क्या है को रिलेट है पॉजिटिव वे में अगर दोनों तो बढ़ रहे हैं एक बढ़ेगा तो दोनों ही सेम उससे बढ़ेंगे ठीक है ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है और अगर नेगेटिव की बात करें जैसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ आपने पढ़ा होगा कि रिग्रेशन कोरिलेशन हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू करते हैं कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है ठीक है अपवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इस केस में हमारा आर प्लस वन के इक्वल होता है और जब ये डाउनवर्ड फ्लो स्लोपिंग है तो ये क्या हो जाता है हमारा परफेक्ट नेगेटिव क्योंकि क्या हो रहा है हमारी वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें आर हमारा इक्वल होता है माइनस वन ठीक है कि दोनों वेरिएबल में क्या आएगा डिक्रीज आएगा अगर मतलब मतलब कि इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है परफेक्ट पॉजिटिव में मतलब कि दोनों ही बढ़ रहे होंगे ठीक है दोनों में एक ही तरीके से इंक्रीज आ रहा होगा प्रोपोर्शनेटली मगर लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक बढ़ रहा होगा और दूसरा कम हो रहा होगा और हमारा आर इक्वल्स टू जीरो स्कैटर डायग्राम के थ्रू अगर मैं बता दूं पॉइंट्स ऐसे ऐसे दूर दूर है ठीक है ना कि मतलब उनमें कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है आर हमारा उस केस में क्या होता है? होता है है जीरो जीरो कोई भी लीनियर लाइन नहीं बनेगी ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू जीरो हमारी लाई करती है इसकी माइनस वन टू पॉजिटिव ओके नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट इन सिंपल रिग्रेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व टू

Observe frequency minus expected divided by expected. तो हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा ऑब्जर्व डेटा सही है या नहीं आया इसमें हम गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं तो ये बात इसकी बिल्कुल करेक्ट है ये भी ऑप्शन सही नहीं नेक्स्ट है नॉर्मल कर् अराइव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल डेटा इज आपने पढ़ा था बहुत सारे कर्व मैंने पढ़ाए थे आपको मीसो कर टेक प्लेटो कर टेक ठीक है तो क्या हमारा नॉर्मल कर्व को हम बोलते हैं नहीं वो हमारा क्या होता है मेसोकर्टिक होता है ठीक है रिटेल में चलते हैं रिटेलिंग मैंने आपको बताई दी है जब हम दो तो वेरिएबल्स की बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट एक होता है दूसरा डिपेंडेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन ठीक है अगर एच टेस्ट की बात करें तो ये क्या करता है

मेजर करते हैं गुडनेस ऑफ फिट तो वो हमारा बताता है अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्लेटोकर्टिक होता है ऐसे वाली शेप आती है ठीक है और हमारा लेपोकर्टिक कैसा होता था जिसमें वो ज्यादा ऐसे मतलब नीचे फ्लैटर था और ऐसे था ठीक है मगर मीसो क्या होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही बना होता है परफेक्ट उसमें दोनों साइड से सेम डिस्टेंस ठीक है और साइज उसका परफेक्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कलाता है इसलिए हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हमारा मिसोकर्टिक बोलते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीसोकर्टिक होता है ठीक है उसको अगर हम दूसरे नाम से बताते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी था कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक होता है वो गलत था नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है इफ टू रिग्रेशन लाइन आपको पता है रिग्रेशन लाइन हम जब वाई ऑन एक्स पढ़ते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं और एक्स ऑन वाई लिखते हैं तो हमारा ये ठीक अब आपको बताना है वॉट इज दो रिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड आर तो मैंने आपको आर बताया था क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है b वाई एक्स एंड में बी एक्स वाई चाहे पहले b वाई एक्स को लिख लो चाहे पी एक्स वाई को लिख लो इट ड मैटर अब वो हमारा होता क्या है ये तो हमारे क्या होते हैं इंटरसेप्ट होते हैं जो y एक्सिस पे बने होंगे और जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल के साथ होते हैं ये हमारे क्या होते हैं स्लोप होता है ये क्या कहलाता है हमारा स्लोप ऑफ दी लाइन ये भी स्लोप ऑफ दी लाइन और यही हमारा क्या है बीवाई एक्स और ये हमारा क्या है बी एक्स वाई तो आप वैल्यू देख लेंगे बीवाई एक्स हमारा क्या है यहाँ पर बी मल्टीप्लाई में हमारा बी एक्स वाई क्या है डी तो ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट में बी डी तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर तो अब देखते हैं आपको मैंने बताया था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स ए और बी क्या है दो तो कॉन्स्टोनेंट है बी क्या होता है? है y on x ये by करता है है x x के change आने से कितना change y में आता है? Measure करता है हमारा बीवाई एक्स ऐसे ही इसको हम इसलिए बोलते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x इक्वल्स टू b तो b हमारा क्या है स्लोप है y लाइन का x के ऊपर ऐसे ही हमारा x इक्वल्स टू c प्लस प्लस में भाई। सी और हमारे जाएंगे। हो जाएंगे। क्या होगा हमारा रिग्रेशन है का, जो कि डिनोट करते हैं वाई से। और ये मेजर करता है कि कितना एक्स में चेंज आता है एक यूनिट चेंज आने की वजह से वाई में तो ये स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है सिंपल फॉर्मले में और हमारा अंडर रूट में बी डी करेक्ट ऑप्शन हो गया नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट है विच फॉर्मुला में बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, तो अभी पढ़ा है ये दोबारा रिपीट हो गया है तो ये क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर आ, अंडर में में नेक्स्ट करते हैं अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x

डेसिमल प्लेस तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए हम इसका सोलूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है जब हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर फिटिंग अ अ स्ट्रेट लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड मैं आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व कराती स्क्वा जिससे हम हमारा ए एंड बी जो हमारे क्या होते हैं कॉन्स्टोनेंट होते हैं सीरीज के वो निकालने हैं। हमें निकालना क्या था वायन एक्स निकालना है तो लीस स्क्वायर मेथड में दो इक्वेशन बनती है समीशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस में बी समीशन एक्स ऐसे ही हमारा दूसरी इक्वेशन बनती है समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में समीशन एक्स प्लस में बी मल्टीप्लाई में समीशन एक्स स्क्वायर एन क्या होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए एंड बी हमारे क्या है कोफिशियंट्स है ए एंड बी आर दी कोफिशियंट्स बस तो हम ए एंडियन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ये था अभी मैंने आपको लास्ट मतलब क्वेश्चन हमें इन इक्वेश में चाहिए क्या क्या एक एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई की मल्टीप्लाई तो हम पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर देन एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर फाइव का ट्वेंटी हमने XY कर लिया X की मल्टीप्लाई के साथ हमारे हमारे पास पास आ है, XY, 188 आ गया गया है ऐसे ही समीशन वाई निकाल लेंगे that is 51, और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज वन टू थ्री एंड फोर तो एन हमारा हो जाएगा फोर अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो मैं आपको डाल डालकर दिखाती हूँ समीशन एक्स हमारा कितना है देखो समीशन एक्स हमारा फिफ्टी वन इक्वल्स टू एन हमारा कितना है 4. A हमें निकालना है तो हमको एज इट इज लिखना है प्लस फिर हमारे पास क्या है हमारा b इंटू मे समीशन एक्स समीशन एक्स हमारा कितना है फोर्टीन b हमें फाइंड आउट करना है हम b को एज इट इज लिख लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या आना है समीशन एक्स वाई समीशन एक्स वाई हमारा है 188 इक्वल्स टू ए हमें नहीं पता मल्टीप्लाई में हम समीशन एक्स करेंगे अगेन तो फोर्टीन ए हो जाएगा प्लस में फिर हमें करना है बी इंटू में समीशन एक्स स्क्वायर बी हमें नहीं पता एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया है 54 हमारा बी ठीक है अब आपके पास इक्वेशन आ गई है सिंपली हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप सॉल्व के लिए पता ही होगा कि या तो आप इसको इक्वल कर लो या फिर इस वाले वेरिएबल को इक्वल कर लो तो आपका हो जाएगा और ये फोर्टीन हमारा अगर मल्टीप्लाई करें हम किसके साथ आप सॉल्व करना सॉल्व करके आपका ए निकल के आएगा 6.1 एंड बी आएगा 1.9 ठीक है आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए कि हमें दो वेरिएबल्स या तो ये वाला वेरिएबल सेम कर लो या फिर ये वाला वेरिएबल सेम कर लो देन हमारा आंसर सॉल्व करके ए एंड बी हमारे पास फाइनली आ जाएंगे तो आप ये सॉल्व खुद करिएगा चेक करिएगा कि आपका ए और बी आया या नहीं आया नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं आपको इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखा दूंगी हाँ आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी

ए हमें गिवन है हमारा 1.50 पॉइंट एक्स बार और एक्स बार वाई बार इन्होंने डिनोट कर दिया है मीन ऑफ एक्स एंड वाई एंड ए हमारा क्या है कांस्टेंट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंगीटर बी ऑफ द मॉडल इज करेक्ट तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सिंपली आप क्या करेंगे एक्स बार की जगह फाइव डाल देंगे दिखाती है आपको पॉइंट फाइव इक्वेशन में पुट करें ए हमें पता है हमारा वन बी हमें नहीं पता एक्स हमें हमारा एक्स बार पता है हमें टू पॉइंट फाइव से प्लस में माइनस का हो जाएगा तो ये क्या जाएगा? आपका क्या आ जाएगा यहाँ आपका फाइव पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव और ये टू पॉइंट फाइव बी के साथ मल्टीप्लाई तो ये फोर आपका टू मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा पॉइंट हटाने के लिए आप एक पॉइंट ऊपर लगा ऊपर लगा दीजिए ठीक है एट एंड फाइव तो बी आपका क्या जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स ऑप्शन नंबर सेकेंड डिटेल में देखते हैं देखो आपको पता है आपको क्या सी कौन सी सीरीज थी बार X. X हमें गिवन था वाई बार हमें गिवन था ए गिवन था और हमें पता था एक्स बार और वाई बार हमारे क्या है वेरिएबल एक्स एंड वाई के मीन है तो हमने वैल्यू पुट किया बी निकल के आ गया सो अबाउट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं

आपको एक्सपेंडिचर भी पता है कि जब कितना होगा वो 10 करोड़ होगा तो ये कैसे सॉल्व होगा चलो अब उसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है मीन ऑफ सेल्स दैट इज 40 और मीन आपको गिवन है आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का भी दैट इज एक्स बार 6 मैंने x ऑन y आपको दिखाया था कैसे लिखते हैं हमारा एक्स प्लस में ए प्लस में बी और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके रिग्रेशन प्लेलिस्ट खोल मतलब क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने इसका ऑल्टरनेट भी करा है कि आप वाई एक्स और, और कैसे लिख सकते हैं तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल वाई बार ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसको X y करना. ठीक अगर यहां मैंने पूछा होता वाई ऑन एक्स तो यहाँ पे पहले क्या आ जाते y की कंपोनेंट्स आ जाते r आता और स्टैंडर्ड डेविएशन y का ऊपर और x और x x का नीचे पर अभी हमें इसका काम करना है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हमें x नहीं पता हमें पता है मीन ऑफ x r हमें पता है 0.09 स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मैंने पीछे जो टेबल दिखाई थी उसमें गिवन था 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y था हमारा 1.5 मल्टीप्लाई में वाई हमें नहीं पता माइनस में हमारा मीन कितना है वाई बार हमारा सिक्स ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं वन माइनस एक्स माइनस फोर्टी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट चला जाएगा और नीचे का पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा तो हमारा खाली आ जाएगा नाइन अपॉन में वन पॉइंट फाइव ठीक है y माइनस में सिक्स, इसको डिवाइड कर लें, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट ऊपर दट इज सिक्स वाई माइनस सिक्स तो अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये आपका कुछ आएगा एक्स इक्वल टू सिक्स वाई प्लस में फोर और आपको पता है कि इसमें आपका गिवन था कि जब हमारा वाई मतलब एक्सपेंडिचर दस करोड़ होगा तो हमारा एक्स कितना होगा मतलब हमारी सेल्स कितनी होगी तो अब हम वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास क्या इक्वेशन आगे निकल के फाइनली सिक्स वाई प्लस में फोर एक्स हमें नहीं पता वाई हमें बोला था कि जब वो दस करोड़ होगा तो सेल्स हमारी कितनी होगी मतलब जब हमारा एडवर्टाजमेंट कॉस्ट है दस करोड़ लग रही है तो सेल्स कितनी होगी तो ये हो जाएगा हमारा सिक्सटी फोर तो हमारा क्या आ गया है आप दोबारा अच्छे से क्लियर मतलब स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके फिर खुद से सॉल्व करके देखना वैल्यूज डिफरेंट रखकर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है इफ एक्स एंड वाई आर अन

नेक्स्ट है फॉर अ रिग्रेशन इक्वेशन आपको रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है दोबारा वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई मीन ऑफ एक्स एंड आर नियरली तो हमें मीन निकालना है एक्स एंड वाई का सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है मैंने आज इसकी वीडियो पे सारे रिग्रेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं तो ये आपकी इक्वेशन है वाई इक्व टू पॉइंट फाइव वन सिक्स एक्स प्लस में थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थ्री दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स इक्व 512y प्लस में 32.52 ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा x एंड y एक तरफ ले आए फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.51 6x प्लस में y 33.73 ऐसे ही इसको इधर ले आएंगे x माइनस में 0.512y क्योंकि द पॉजिटिव था इधर आके माइनस का हो जाएगा 32.52 आप इन इक्वेशन को सॉल्व करें या तो वाई को सेम कर लें या फिर एक्स को सेम कर लें उसके बाद आपका सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा एंड आ जाएगा इसको आप ये आपका होमवर्क है इक्वेशन सॉल्व करें देखेंगे करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है पेपर में इतनी टफ मतलब क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं तो पॉइंट्स में नहीं होगा सिंपल इक्वेशन दे देंगे वो आपको ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो सो नेक्स्ट देखते हैं

जब हम वाई निकाल रहे होते हैं चलो डिटेल में वैल्यू फुट करते हैं तो आपको पता है मैंने आपको बता दिया रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कैसे निकलता है सिंपली वैल्यू पुट कर दें वाई माइनस में वाई बार हमारा टू है को कोफिशिएंट हमारा पॉइंट एट था स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ एक्स था हमारा कितना दैट इज नाइन एंड स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ हमारा वाई था थ्री एक्स माइनस में एक्स बार हमारा गिवन था वन तो आप ये अब सॉल्व करेंगे थ्री आ जाएगा वाई माइनस में टू ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो टू y माइनस में x माइनस में वन इधर ये माइनस का उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा तो टू प्लस में टू पॉइंट फोर एक्स माइनस में वन तो ये हमारी इक्वेशन आ गई y ऑन x, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो अभी तो मैंने जल्दी जल्दी करा दिए हैं आप खुद से एक और बार इनकी प्रैक्टिस करना खुद सॉल्व करना पेन pen, पेंसिल रखो अपने कॉपी रखो नोट्स बनाओ पीडीएफ अगर आपको अवेलेबल नहीं हो भी है तो खुद से बनाएं खुद से नोट बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा पीडीएफ से नहीं होगा so, ये थे हमारे क्वेश्चन रिग्रेशन की नेक्स्ट फिर कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगी उसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी और आपको अगर कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप वरी मत करिए मैं आपको यहाँ पर सबके क्वेश्चन Practice karongli, topic by topic. So that's all about today. I hope you guys like this session. So please like, share, and subscribe my channel. Bye bye, Tata. See you soon.